दो महीने पहले हमने पूरे मुलाना में अनाउंसमेंट करवाई थी पंचायत की तरफ से कि यहाँ पे कुछ कश्मीरी युवक जो रह रहे हैं वो गलत गतिविधियों में पाए गए हैं और आप जितने भी हाउस होल्डर हैं वो उनकी आईडी ग्राम पंचायत मुलाना या थाना मुलाना में सबमिट करवा दें। लेकिन पिछले दो महीने से बहुत से लोगों ने करवाई है जमा, लेकिन किसी भी कश्मीरी छात्र की किसी भी घर के मालिक ने हमारे पास जमा नहीं करवाई जी। जब दो दिन पहले ये कश्मीर में हमला हुआ तब यहीं रहने वाले लड़कों ने इस पे फेसबुक पे पोस्ट किया, खुशी मनाई, खुशी जाहिर की। कश्मीरी छात्र जो पढ़ रहे हैं वो तो भारत के खिलाफ सरेआम वहाँ बातचीत करते हैं, तो उनके कहने पे हमने इनको राडार पे लिया था सोशल मीडिया पे। वहाँ पे इनकी सरेआम जो इनकी पोस्ट है हमें देखने को मिली, हमने इनका प्रिंट आउट निकलवाया और कुछ पोस्ट इनमें कल की भी है, जो कोई भी अगर आतंकी हमला होता है उसके बाद ये पोस्ट जरूर करते हैं, ये खुशी मनाते हैं उसकी सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। तो हमने ये प्रिंट आउट निकलवा लिया है, इनमें उनकी फ़ोटोज़ भी हैं, पोस्ट भी हैं, ये प्रूफ है। प्रशासन हमेशा प्रूफ मांगता है, इसलिए हमने प्रूफ इकट्ठा किया है। इनको वैसे गांव वालों की तरफ से या किसी की भी तरफ से इनको कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है अभी तक, कोई ऐसा इन पे कोई हमला नहीं हुआ है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपनी मर्जी से या प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी में छोड़े जा रहे हैं।